खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में, क्योंकि आपका टमाटर प्याज मिर्चे ये सब अदरक ये सारा आना है वाघा बॉर्डर से। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के जो साउथ एशिया है वहां पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिल्लत और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर बन गई, गरीब और मतवस्सत खानदान आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर हो गए। महीने में महंगाई की जो शरह है वो 35.37% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। तो जिसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांजेक्शन होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत। कारखानों पे कारखाने बंद हो रहे हैं, मोबाइल फोन बनाने वाले 30 कारखाने बंद होने जा रहे हैं, और ज्यादा कारखाने इसलिए बंद हो रहे हैं कि खाम माल बाहर से नहीं आ सकता, मुल्क में जरिए मुबादला ही नहीं है। आप देखें इंडिया अभी 100 बिलियन डॉलर तो क्रॉस कर गया आईटी की एक्सपोर्ट में अपनी, और 5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा रहा है। अगर आज हमारा इंडिया से कोई ना कोई पैक्ट होता है इसके ऊपर तो कम अज कम 25-30-40 बिलियन डॉलर का हमें आईटी का कारोबार मिल सकता था। अगर पाकिस्तान ने आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में मुबश्शिर लुकमान के बारे में वीडियो के लास्ट में डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरीके की हुआ करते थे और अब ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मुबश्शिर लुकमान बोल रहे हैं कि भारत के साथ आप व्यापार चालू करें, इवन जितने भी उनके पड़ोसी हैं पाकिस्तान के उनके साथ सबके साथ व्यापार चालू करें, पाकिस्तान में जो भुखमरी के हालात हैं वो बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे। तो भैया मेरे हिसाब से एज अ इंडियन मैं तो कहूँगा बिल्कुल पाकिस्तान के साथ व्यापार चालू नहीं करना चाहिए, भूखे मरने 2 सालों को। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज चैनल को सोचें, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ये कोई नहीं कह रहा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान चाइना और ईरान इनमें अगर आपस में ट्रेड होता है तो हमें किसी और मुल्क की जरूरत है दुनिया में? हमें मौशी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी और चीज की जरूरत है? अगर पाकिस्तान ने अब आगे जाना है तो पाकिस्तान को अपने हर हमसाए से, हर नेबर से नॉर्मल मरासम रखने पड़ेंगे, और हमें अपने बॉर्डर्स को कूल ऑफ करना पड़ेगा, और हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हर कंट्री को और उसकी सॉवरेनिटी को, और मानना पड़ेगा। आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में, क्योंकि आपका टमाटर प्याज मिर्चे ये सब अदरक ये सारा आना है वाघा बॉर्डर से, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन पड़नी ना कुछ पड़नी हो, गरीब आदमी का भला होना, ठीक है ना? आपको तो फर्क नहीं पड़ता, आप तो 500 रुपए किलो भी ले सकते हैं मिर्चे, लेकिन गरीब आदमी जिसने बेचारे ने 3 रुपए की लेनी है या 2 रुपए की लेनी है तो उसको फर्क पड़ता है। तो आप अगर इतना ही है तो आपके ताल्लुकात क्यों है इंडिया से? आप क्रिकेट खेलने के लिए क्यों बेचैन होते हैं? दोस्ताना ताल्लुकात का मतलब है कि यहाँ पे कबड्डी के भी मैच हो, क्रिकेट के भी मैच हो, जो है कल्चरल एक्सचेंज भी हो, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के एक्सचेंज भी हो दोनों मुल्कों में, और ख़ास तौर पे दोनों मुल्कों में ट्रेड हो। आप देखें इंडिया अभी 100 बिलियन डॉलर तो क्रॉस कर गया आईटी की एक्सपोर्ट में अपनी, और 5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा रहा है। अगर आज हमारा इंडिया से कोई ना कोई पैक्ट होता है इसके ऊपर तो कम से कम 25-30-40 बिलियन डॉलर का हमें आईटी का कारोबार मिल सकता था। आप अपने लोगों का बेहतरी, आपके तो बच्चे पल रहे हैं इंग्लैंड में, आप तो कहते हैं कि इसराइल यहूदी और यहूदियों के साथ जो है कारोबार करना मना, ना करें कारोबार, लेकिन आप अपने बच्चे क्यों पल रहे हैं फिर यहूदियों के घर में? अब एक तरफ ये चीज है, और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी, और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा,
ठीक है। सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान के, जी आप स्मगलिंग करें और इस तरह के फजूलियात ये जो हरकतें हैं वो करें और इसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो कोई कारोबारी नेशन तो नहीं है, हमारा कोई कारोबार से बिजनेस से इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है, ना ही हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं मज़े की बात बताऊँ कि एक पाकिस्तानी ज्यू है, उसने इसराइल अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बेची, ठीक है जी, और कोई पाकिस्तानी ज्यूश बिजनेसमैन है, उसका नाम है फिशल बेन फल्द, उन्होंने कुछ तीन जो है इसराइली बिजनेसमैन के साथ मिलके जो है वो एक कंसाइनमेंट भेजी, और उस कंसाइनमेंट में क्या था, ड्राई फ्रूट्स थे, डेट्स थी, स्पाइस थे और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ें जब हुई तो ये कहा गया जनाब के शायद पाकिस्तान ने इसराइल के साथ कारोबार शुरू कर दिया। अब सुनने में आता है कि ये वही शख्स है, ठीक है जी, ये वही शख्स है जिसको पाकिस्तान की जो साबिक हुकूमत है, इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये अलाउ किया था कि वो जा सकते हैं इसराइल। अच्छा, इनको पासपोर्ट दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये लोग, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है लेकिन इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है किसी और प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे गए, मेरा ख्याल है ये यूएई जाके वीज़ा लेते हैं और फिर पासपोर्ट के ऊपर मोहर नहीं लगती, इस तरह की चीज़ है जो होती है, दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवन। अब ये जो चीज़ें हैं कि इसराइल के साथ कारोबारों की, अच्छा पाकिस्तान में शोर मच गया। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, चाहे तो आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही थी भारत के साथ व्यापार, भारत के साथ ट्रेड, इस तरीके की बात हो रही थी कि चालू करने से पाकिस्तान को किस तरीके के फ़ायदे होंगे, पाकिस्तान कहाँ पहुँच सकता है ये सब चीज़ें करके। जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी भुखमरी के हालात हैं, आटे के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, टमाटर हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, और कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान आगे कैसे सर्वाइव करेगा। तो मुवशिर लुकमान को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, इवन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार हिंदू धर्म को लेकर बहुत आपत्तिजनक बातें करी हैं, वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बट आप समझें ये बहुत बड़ा दोगला है। अब भूखे मरने की हालत आ गई तो भारत से व्यापार, नहीं तो इसने इस तरीके की घटिया लेवल की बात करी है ना। इवन मैं तो हसन निसार को भी फॉलो करता हूँ, हसन निसार ने भी बहुत घटिया लेवल की फॉलो बातें करी हैं, बहुत घटिया लेवल की, उसका फ़ैन बेस इंडिया में बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसकी कई बातें ऐसी देखी तो उससे समझ में आ जाता है कि एज अ इंडियन ऑडियंस अगर उसको देख रही तो वो थोड़ा सा नाप तोल के बोलता नहीं, तो उसने भी बहुत घटिया लेवल की बात की है। हालाँकि वहाँ से उसने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है बट यहाँ पर भी उन्होंने बहुत घटिया लेवल की बात की है। अब भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी राय में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस